क्या पता है कि जैन में 2023 में बेसिकली बिगिनिंग में, अभी ये एग्जैक्टली डेट नहीं आई है कि कौन से मंथ में, बट आइल्स का एक न्यू एग्जाम टाइप आने वाला है, दैट इज आइल्स ऑनलाइन एग्जाम। हेलो एवरीवन, आई एम सोनम संधू फ्रॉम आइल्स मेड इजी, एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू जैन एंड फेब एग्जाम्स। तो यार ये जो जैन एंड फेब की एग्जाम डेट्स हैं, जैसे कि जैन 14th वाला एग्जाम, 19th, 21st, 28th एंड फेब में 4th, 11th एंड 16th फेब, ये एग्जाम्स के लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आपको काफी हेल्प मिल सकती है अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव करने में। सो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना एंड वॉच द वीडियो अंटिल द एंड, ठीक है? स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं अपडेट देने वाली हूँ, अपडेट किस बेसिस पे देने वाली हूँ। सो आई बेसिकली अटेंडेड एन ऑनलाइन ट्रेनिंग बाय द कैम्ब्रिज, एंड उस ट्रेनिंग में ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली, एंड दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल की। जब मैं स्पीकिंग मॉड्यूल की बात कर रही हूँ तो मेनी ऑफ यू आर कंफ्यूज कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि सितंबर से दिसंबर वाली क्यू कार्ड लिस्ट प्रिपेयर करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यू क्यू कार्ड लिस्ट भी मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 10th to 12th जैन के बिटवीन आपके साथ वो शेयर हो जाएगी। सो जस्ट प्रिपेयर दीज टू क्यू कार्ड लिस्ट। इसमें कुछ टॉपिक्स कॉमन भी होंगे, दोस डेफिनेटली यू नीड टू प्रिपेयर वंस। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट जो इस ट्रेनिंग में इन्फॉर्मेशन थी, दैट वॉज रिलेटेड टू राइटिंग मॉड्यूल। सो मेन फोकस राइटिंग मॉड्यूल पे करा था, एंड जो ट्रेनर थे उन्होंने बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन बताई कि राइटिंग में मेनली जो स्टूडेंट्स को अभी स्कोर नहीं मिल रहा लेटली, उसका मेजर रीजन है कि दे आर यूजिंग क्रैम्ड लैंग्वेज और दे आर यूजिंग टेम्पलेट। सो प्लीज डू नॉट यूज टेम्पलेट्स, ठीक है, इन राइटिंग मॉड्यूल। टेम्पलेट्स जैसे ही उन्हें दिखते हैं, शी क्लियरली मेंशन्ड कि जो मेमोराइज लाइन्स होती हैं, उन्होंने ये टर्म यूज करी थी, मेमोराइज लाइन्स जो लर्नर्स यूज करते हैं, वो देखते ही वी गिव देम 5.5 बैंड स्कोर और 6.5 अगर 7 के रिक्वायरमेंट है। पॉइंट क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर थिंग को कॉपी कर दिया, वो सेम थिंग बहुत सारे लर्नर्स ने कॉपी करी, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू डू नॉट अचीव योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, डू नॉट यूज टेम्पलेट्स। नाउ जो सेकेंड पार्ट उन्होंने हमें वहां पे बताया था, दैट वॉज लाइक डू नॉट यूज अननेसेसरी सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स में ना आप सब लोगों को काफी जगह पे ये सिखाया जाता होगा कि अगर चिल्ड्रन वर्ड यूज हुआ है क्वेश्चन में तो आप चिल्ड्रन मत यूज करो, आप इन्फेंट्स यूज कर लो, टॉडलर्स यूज कर लो, एडोलेसेंट्स यूज कर लो, टीनेजर्स यूज कर लो, बट दे क्लियरली से इट्स रॉन्ग। और ये तो मैंने अपनी वीडियोज में भी काफी बार बताया हुआ है कि ऐसा नहीं होता। हमेशा क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को समझो, उसके मीनिंग को समझो कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, है ना? कॉन्टेक्स्ट एज इन, अगर क्वेश्चन में वो बात कर रहे हैं कि चिल्ड्रन की बात करें, है ना, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात करें, तो वहां पे यू कैन यूज स्टूडेंट्स, देयर यू कैन यूज प्यूपल, देयर यू कैन यूज स्कूल गोअर्स, यू कैन यूज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, यू कैन यूज चिल्ड्रन इन प्राइमरी, ठीक है, परस्यूइंग प्राइमरी एजुकेशन। सो वैसे कुछ टर्म्स यूज कर सकते हो। अगर वहां पे इन्फेंट्स यूज करोगे, इन्फेंट्स होते हैं जो गोदी में बच्चे होते हैं, वो थोड़े ना स्कूल जाते हैं, मीनिंग चेंज हो जाएगा। टीनेजर्स की बात उन्होंने नहीं करी तो टीनेजर्स भी नहीं यूज करेंगे। एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन सिनोनिम्स यूज करने चाहिए, ये क्लियरली उन्होंने हमें बताया था उस पर्टिकुलर सेशन में। यार ये जो सेशन होता है ना, मंथली सेशंस होते हैं, एंड आई ट्राई टू अटेंड ऑल द सेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। आई रिसीव अ मेल रिगार्डिंग द सेम एंड मैं अटेंड करती हूँ, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज सेशंस कुछ ना कुछ नया पता चलता रहता है। जैसे अभी लास्ट जो सेशन था वो राइटिंग टास्क वन एकेडमिक के लिए था, अभी जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है वो रीडिंग एंड लिसनिंग के लिए है, तो कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है और वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए मैं प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ व्हेन आई अटेंड सेशंस लाइक सच। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड थिंग, उन्होंने जो बताया कि जैसे ऐसे ही सिनोनिम्स यूज करें तो इसमें एक और वर्ड है पीपल। पीपल के लिए चिल्ड्रन जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स टेंड टू यूज मासेस, फोक्स, ये गलत है। ये दोनों जो है ना, इन दोनों वर्ड्स को हम बोलते हैं दीज आर द कैजुअल वर्ड्स, इनफॉर्मल वर्ड्स, है ना, इनफॉर्मल वर्ड्स हमें नहीं यूज करने हैं। सो इफ इट्स पीपल, आपको सिनोनिम नहीं मिल रहा, आप इंडिविजुअल्स यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, यू कैन यूज सिटीजन्स, यू कैन यूज पॉपुलेस, बट क्वेश्चन के मीनिंग पे फोकस करके ही सिनोनिम यूज करो। अगर सिनोनिम नहीं मिल रहा तो सेम वर्ड को रिपीट कर दो, इट्स बेटर टू रिपीट द सेम वर्ड रादर देन यूजिंग अ रॉन्ग सिनोनिम,
So take care of this. Coming to the third part, and the third part is focusing on the main idea. बहुत बार क्या होता है, गलती आप ही नहीं यार, जब मेरे 7 बैंड आए हैं है ना राइटिंग में, तो अभी मैं कह सकती हूँ कि when I achieve band 8 तो मैं अब ध्यान देती हूँ बहुत ज्यादा आइडियाज पे, क्योंकि मुझे पता था कभी कभार मैं इलॉजिकल हो जाती थी. बट when I got 7 बैंड that time I focused more on the main ideas. What happens कि जब आप essay को पढ़ते हो, question को पढ़ते हो ना, उसे दो बार अच्छी तरह पढ़ो और पहले ही प्लानिंग के टाइम में डिसाइड करके रखो कि आपने कौन से दो आइडियाज मेंशन करने, फर्स्ट मेन आइडिया सेकंड मेन आइडिया पहले ही लिख के रखो. जब आप वो लिख के रख लोगे और फिर उसे एक्सप्लेन करोगे तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर. सो अब वीडियो को एंड पे लेके आते हैं और मैं लास्ट पार्ट बताती हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट था. सो आई कैन से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने नोटिस करा हो कि जब एक पर्टिकुलर डे एग्जाम हो रहा है और तीन हमारे स्लॉट्स हैं है ना, मॉर्निंग में स्लॉट है, आफ्टरनून इवनिंग में, फॉर एग्जांपल, सो कोई ना कोई टाइम पे ओपिनियन ऐसे आ ही जाता है. एक चीज को समझो, अगर ओपिनियन ऐसे अच्छी तरह समझ लिया, चाहे वो टू व्हाट एक्सटेंट वाला है, चाहे फिर डू यू एग्री और डिसएग्री वाला है, अगर आप ये अच्छी तरह समझ लोगे ना दोनों ऐसे टाइप्स, आप इजिली अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर लेके आ पाओगे. सो प्लीज Try to understand opinion essay thoroughly. Opinion essay को अच्छी तरह समझ लो, उसके एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, 6 to 7 opinion essays की प्रैक्टिस करके जाना कि opinion आ जाए तो कोई दिक्कत ही ना हो. एक essay का स्ट्रक्चर समझ आ गया तो बाकी आप इजिली कर पाओगे, एंड दैट essay इज opinion essay only. So that's all for this video. Please focus on these points if you want to score well in Jan and Feb exams, because ये latest update है जो मुझे अभी recently ही पता चली. In fact परसों ही मुझे पता चली और आज मैं ये shoot कर रही हूँ. अगर आपको ये video अच्छी लगी तो एक next video है जो आपको screen पे दिख जाएगी, वो आप जरूर देखना. उस video में मैंने बताया है कि 2023 में एक new type का exam आने वाला है, IELTS online exam. वो है क्या, उसकी सारी डिटेल आपको उस वीडियो में मिलेंगी. डू वॉच दैट वीडियो एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. थैंक यू सो मच.